हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमोडिटी। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूएस डॉलर से, जो है यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो इंडेक्स है, फ्यूचर्स जो है यहाँ पर करंटली किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर ग्लोबल सेंटिमेंट किस तरह से देखने मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पर यूएस ने जो है इन्फ्लेशन, जो कि यहाँ पर 8.3 का एस्टिमेशन था, वो एस्टिमेशन भी तोड़कर 8.6 का यहाँ पर जो है जो क्रूड ऑयल का जो अगर यहाँ पर डेट इज बात करें इन्फ्लेशन रेट की, तो वो यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिला है। सो डेटा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव आया है, तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव न्यूज़ जो है यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट जो है इसको ज़रूर जो है इम्पैक्ट करेंगे, मार्केट के अंदर और बड़ा करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। बट हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो बहुत ही बेहतरीन जो है यहाँ पर 101 या फिर 100 के आसपास जो है बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। सो फॉर अ टाइम बिंग अगर आप यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर भी क्रूड ऑयल के अंदर ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर अभी भी मेरा जो सेंटिमेंटल बेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छी अच्छी जो तेज़ी है वो यहाँ पर और भी देखने को मिल सकते हैं। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एक अच्छा खासा जो है यहाँ पर हमें कॉन्सोलिडेशन फेज देखने को मिला है, और यहाँ पर हमारा टारगेट के तौर पर जितना कॉन्सोलिडेशन होता है उसके आसपास का हम यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं। तो टारगेट जो है वो तो यहाँ पर हमें जो है अचीव होते हुए देखने को मिला ही अपसाइड डायरेक्शन के अंदर, बट उसी के साथ साथ में जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है यहाँ पर अपसाइड के अंदर वो काफ़ी अच्छी डेट इज़ ये टारगेट था हमारा नियरली यहाँ तक का, और उसके बाद भी जो है रैली जो है अपसाइड के अंदर वो यहाँ पर हमें कंटिन्यूस बेसिस के हिसाब से जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, और थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिला और फिर से एक अच्छी खासी जो है हमें रैली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इसे अंडरस्टैंड करते हैं तो अभी भी जो एक बहुत ही पॉजिटिव रैली और देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर 105 का अगर यहाँ पर जो प्राइस लेवल है वो अगर यहाँ पर अपसाइड के अंदर ब्रेक होता है तो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर प्राइस वॉलिटिलिटी अपसाइड के अंदर, अपसाइड डायरेक्शन के अंदर देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि किस तरह से प्राइस मोमेंटम जो है अपसाइड के अंदर रिएक्ट करता है। बट फिर भी अगर हम यहाँ पर बात करें यूएस डॉलर इंडेक्स फ्यूचर्स को इन कंपेयर टू इंडियन, अगर हम यहाँ पर बात करें क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के, अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर भी ट्रेड करते हैं, तो जो सेंटिमेंटल बेस यहाँ पर हमें जिस तरह से देखने मिल रहा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है पॉजिटिव बेस में देखने को मिल रहा है। सो फॉर अ टाइम बिंग हालांकि यहाँ पर प्रीवियस सेशन के थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें डाउनवर्ड ट्रेंड जरूर फॉलोअप होते देखने को मिल रहा है, बट व्हाट आई पर्टिकुलरली थिंक इट इज़ कि यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर भी 9570 का जो प्राइस लेवल जो है, जो कि 3 सेशन से ब्रेक नहीं कर रहा है, वो अगर यहाँ पर अपसाइड के अंदर ब्रेक करता है तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रैली यहाँ पर हमें अपसाइड के अंदर देखने को ज़रूर मिल सकती है। तो ये था यहाँ पर मेरा एनालिसिस डेट इज क्रूड ऑयल और यहाँ पर यूएस फ्यूचर्स के जो यूएसडी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें किस तरह का ग्लोबल बेस देखने को मिल रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। हालांकि अगर यहाँ पर फिर से डाउन ट्रेंड आता है तो यहाँ पर हमें जो है लेवल जो है वो यहाँ पर मैंने आपको पहले से बता दी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्रूड ऑयल का जो वीकली एनालिसिस है वो यहाँ पर मैंने हमारे चैनल पर डाल रखा है, तो आप वो भी जाकर जरूर देखिएगा। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एज वेल एज सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा मददगार रहा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।